तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं सोयाबीन और आलू चना का दाल मिक्स करके सब्ज़ी, वो भी बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले हमें चना का दाल को जो है फुला लेना है और यहाँ पे इसको वाश कर लेना है, सोयाबीन को जो है भिंगो करके 5 मिनट, उसके बाद इसको वाश कर लेना है गर्म पानी से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे आलू है वो भी हम छील करके कट करके वाश कर चुके हैं और एक प्याज को कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सोयाबीन, चना दाल और आलू जो है टोटल रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी, कम समय में बनने वाला बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी है। तो यहाँ पे हम कुकर को यूज़ कर रहे हैं ताकि जो है बहुत फास्ट बन सके। तो कुकर में सबसे पहले हम चना दाल को इसमें डालेंगे, उसके बाद कटा हुआ आलू और प्याज जो है ये भी हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज और आलू को भी इसमें हम डाल चुके हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि हम आपको दिखाएंगे कि क्या मसाला इसमें पड़ेगा। तो हम कुछ मसाले इसमें डाल रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हल्दी और नमक है, नमक स्वाद अनुसार है और हल्दी 1 चम्मच है, हल्दी पाउडर। और यहाँ पे जो पेस्ट ये डाल रहे हैं आप देख सकते हैं, लहसुन और जीरा मिर्च का पेस्ट है, ये 2 चम्मच है। और इसके बाद हम ग्रीन चिल्ली ले लेंगे इसमें, आप चाहे तो रेड चिल्ली भी यूज कर सकते हैं। तो जो आप पसंद हो आप अपने स्वाद अनुसार मिर्च इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्वाद अनुसार हरी मिर्च ले चुके हैं। अब इसमें हम पानी डाल लेंगे थोड़ा सा, यानी इसके गलने तक का हम पानी डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पानी भी डाल चुके हैं और मिक्स भी कर चुके हैं। अब हम ढक्कन को बंद करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ढक्कन बंद कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम चूल्हा पे चढ़ाएंगे और फाइनली 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेंगे। बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही यूनिक भी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी टेस्ट भी होती है। तो यहाँ पे 10 मिनट हमारा कंप्लीट हुआ। 10 मिनट के बाद हम चूल्हे से नीचे उतार चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ढक्कन खोलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको 3 से 4 सीटी लगाना होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा चना दाल और आलू जो है अच्छे से पक चुका है मसालों के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप बग़ैर तेल का बनाना चाहते हो तो ऐसे ही सेम बना करके आप रख सकते हैं, अगर तेल की परहेजी हो तो। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब फ्राई पैन में हम तेल को यूज़ किए हैं। तो फ्राई पैन में तेल जब हीट हो जाए, इसमें हम 50 ग्राम ऑयल यूज़ किए हैं। तो इसमें थोड़े से गर्म मसाले और मिर्च प्याज कटा हुआ इसमें डाल लेंगे और इसको ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। यानी हम इसको आगे बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको बग़ैर तेल का सब्ज़ी चाहिए तो हम बताए हैं कि वहाँ तक का प्रोसेस बग़ैर तेल का आप रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है हम तेल का यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे इसको ब्राउन होने में आपको 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा। हाई फ्लेम यहाँ पे कर ले आप, ताकि जल्दी ब्राउन हो सके हमारा प्याज जो है। और जब ये ब्राउन हो जाए तो पूरा 100% आपको ब्राउन नहीं करना है, आपको 90% यानी 90% ही ब्राउन करना है प्याज को। थोड़ा सा जब ये अभी पूरा पका नहीं होगा तभी इसको हम रोक लेंगे। और यहाँ पे चूल्हा जो है हम कम कर लेंगे, फ्लेम जो है मीडियम फ्लेम कर लेंगे। और इसमें हम वाश किया हुआ सोयाबीन को इसमें हम डाल लेंगे और डाल करके इसको इसी के साथ प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। यानी हमारा सोयाबीन जो है फ्राई हो जाएगा और प्याज जो है वो भी साथ में ही पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सोयाबीन है फ्राई होना शुरू हो चुका है। तो फाइनली इसको 4 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्राई जो है हमारा हो चुका है सोयाबीन। अब इसमें जो सब्ज़ी है कुकर वाला, ये हम टोटल इसमें डाल लेंगे और डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, यानी हम तड़का लगा लेंगे। आम भाषा में इसको बघाड़ना बोला जाता है, तो हम इसको बघाड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा सब्ज़ी है पकना शुरू हो चुका है। तो इसको ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट तक हम पका लेंगे ताकि जो सोयाबीन है वो भी अच्छे से पक सके। यानी वो फाइनली तो वो बलते टाइम में पक ही जाता है और फ्राई करने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाता है, इसलिए इसको सॉफ्ट पका लें। तो 5 मिनट में फाइनली जो है रेडी हो जाएगा हमारा सब्ज़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूल्हा को हम बंद कर चुके हैं, 5 मिनट हमारा कम्प्लीट हो चुका है, सब्ज़ी भी हमारा अब चूल्हे से नीचे उतर चुका है। फाइनली जो है हमारा रेसिपी कंप्लीट हुआ। तो आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है, आप सबको कैसा लगा। तो हमें तो ये बेहद पसंद है, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है सब्ज़ी। और इसके साथ गर्मा गर्म पूड़ी बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है पूड़ी के साथ। तो फाइनली दोस्तों हमारा सब्ज़ी जो है फाइनली रेडी हो चुका है। तो आप सब ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और हाँ, आप सब कमेंट ज़रूर कीजिएगा।